हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल टू माई इंग्लिश क्लास होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेसेस स्टूडेंट्स टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अमिशन ऑफ द आर्टिकल्स दैट मीन्स वेयर वी विल नॉट यूज आर्टिकल देअर आर सम केसेस वेयर नो आर्टिकल इज यूज ओके सो फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन सो प्रॉपर नाउन के साथ हमने आर्टिकल का यूज नहीं करना है ओके फॉर एग्जाम्पल डेली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया डेली एंड इंडिया बोथ आर प्रॉपर नाउन् सो वी हैवेंट यूज आर्टिकल विद इट नाउन्स यूज इन अ जर्नल सेंस जब नाउन को हमने जर्नल जर्नल सेंस में यूज करना है दैट मीन्स जर्नली हमने बात करनी है फॉर एग्जाम्पल मैन इज अक क्रिएशन ऑफ गॉड मैन मैन को हम मतलब जर्नली वैसे ही बात कर रहे हैं कि जो मैन है वो यूनिक क्रिएशन है गॉड की किसी एक पर्टिकुलर मैन के बारे में नहीं हम बात कर रहे वी आर टॉकिंग अबाउट मैन जर्नली ओके सो नेक्स्ट इज नेम्स ऑफ द लैंग्वेजेस जो लैंग्वेजेस के नेम हैं फॉर एग्जाम्पल चाइनीज इंडियन इंग्लिश फ्रेंच विद दैम ऑल्सो वी विल नॉट यूज एनी आर्टिकल Chinese is a difficult language. Chinese. With Chinese, we haven't used any article. Okay. Then is material noun. Material noun, name of any material. Okay. So we will not use any article with it as well. Iron is a useful metal. Iron and gold. Iron and gold. Both are material nouns here.

Now, next is abstract noun. Abstract noun, what is abstract noun? That we can feel. Okay? That we can't see, but we can feel. Honesty is the best policy. Honesty and beauty. Okay? So, with these also, we will not use any article. Common nouns, plural nouns, आर यूज फॉर अ होल क्लास उन कॉमन नाउन्स और प्लूरल नाउन्स के साथ जो हम फुल और होल क्लास के लिए यूज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल डॉग्स आर वेरी फेथफुल एनिमल और डॉग इज वेरी फेथफुल एनिमल मीन्स डॉग्स यहाँ पे हम सारे के सारे डॉग्स और अगर हम अकेला यहाँ पे डॉग भी लिखते हैं डॉग is very faithful animal means we are talking about whole class here okay dog ki sari class ke bare mein baat kar rahe hain that means kisi ek particular dog ke bare mein hum baat nahi kar rahe hain jo dogs hain wo faithful animal hain means of travel or transportation जो means of travel हैं transportation हैं उनके साथ भी हमने article का use नहीं करना है दैट इज

फोर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेंटेंस किसी सेंटेंस के कॉम्प्लीमेंट से पहले लाइक द गवर्नमेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नमेंट ने अप्वाइंट किया है उसे कैसे एज स्प मैन ओके सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट बिफोर दिस ऑल्सो वी विल नॉट यूज एनी आर्टिकल we elected manav as our class representative we elected manav till this and this is the complement okay so we will not use any article with it next is some prepositional phrases with some prepositional phrases like in a light mood at night

They will be added to a sentence to give complete meaning. Okay. Now, next is some transitive verbs. Transitive verbs. Transitive verbs are those which have objects with them. Okay. For example, there is a sentence The government appointed him. Okay. The government appointed him. Him. हिम हेयर एस ऑब्जेक्ट वी इलेक्टेड मानव टू हुम वी इलेक्टेड मानव सो मानव हेयर एस ऑब्जेक्ट ओके सो उन सेंटेंसेस के साथ जिनके पास ऑब्जेक्ट है उन वर्ब्स के साथ जिनके साथ ऑब्जेक्ट है विद विच विद डेम ऑल्सो वी विल नॉट यूज एनी आ टू सेंड वर्ड टू लूज हार्ट टू सेंड फॉर To pay attention, to give air, to lose ones like this. Transitive verbs jinkesat object present hota hai. Okay, I hope it is clear to you all. Thank you, students. Bye, bye.